सीरियल ये है मोहब्बते में इशिता को किसी ने किडनैप करवा लिया है और वो भी उस दिन जब इशिता और रमन की शादी होने जा रही थी। रमन इस बात से अनजान है। उसका मानना है कि इशिता ने अपने बारे में खबर दिए बिना ही गायब हो गई। रमन से लेकर शगुन पूरे भल्ला परिवार के साथ मिलकर इशिता को ढूंढ रहे हैं। इतना ही नहीं, इशिता के गायब हो जाने से मनी भी परेशान है। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं जहाँ इस सीन की शूटिंग चल रही है। शादी का माहौल, इतनी खुशियाँ आ रही थी हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, कि रूही भी यहाँ पे रुकेगी, पापा और रशिमा की शादी होने वाली है, इससे खुशी की बात हो नहीं सकती थी। और सडनली पता लगता है कि रशिमा नहीं है अपने कमरे में और वो किसी को कुछ बता के नहीं गई है कि वो कहाँ पर है, कहाँ नहीं। उनका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, किसी को बता के नहीं गई है, कुछ इन्फॉर्म करके नहीं गई है। तो इसलिए सब लोग काफ़ी डर गए हैं कि ऐसे अचानक से कहाँ जा सकते हैं। और कई कई लोग अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस किस वजह से ना होगा, और भी की वजह से ना होगा, ऐसे ना होगा, वैसे ना होगा। बट जब जहाँ ऐसी बात होती है कि इशिमा गायब है या इशिमा कुछ ऐसी बात कर देती हैं, तो किसी को यकीन नहीं होता है कि इशिमा, जो इस घर की सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो सबको एक करके रखती हैं, वो एकदम से ऐसे करें। तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और पापा समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो होपफुली ज़्यादा बड़ी गड़बड़ ना हो, सब कुछ आसानी से हो जाए और इशिमा वापस जाते हैं, तो शायद वो बता के जाते हैं। बट थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है इस टाइम पे, बहुत हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है अभी, कहाँ पे हैं इशिमा, कहाँ पे नहीं है। अभी सब लोग भागा दौड़ी में लगेंगे क्योंकि बहुत, जो जिगर का टुकड़ा होता है वो गायब हो गया हमारे घर से। आदि तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया है, वो लोगों पे भड़कने लग गया है, मनी अंकल पे, आलिया पे, वो सब पे भड़क रहा है। उसको अपने इशिमा और उसको अपनी फैमिली के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है। वो अपनी फैमिली को एक करने में लगा रहता है और जब उसके ऊपर इतनी भारी सिचुएशन आ गई है तो आप सोच सकते हो क्या बीतेगी इंसान। तो मैं तो पागल हूँ बहुत ज़्यादा। हम लोग अपने फैन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनको हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स उनके ज़िंदगी में हम लोग डालते रहते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें। और उनको मेन हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप लोग एंटरटेन हो सकें और आप लोगों को मज़ा आए शो देखने में। एंड थैंक यू सो मच, मैं सब सारे फॉलोअर्स, सब फैंस को ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमारा शो नंबर वन चल रहा है स्टार प्लस पर। और सब लोग इतना प्यार करते हो हम सबको, मेरे को इतनी विशेज़ आती हैं, इतने मैसेजेस आते हैं, तो मैं सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि स्केड्यूल हमारा इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है। बट रियली थैंक्स अलॉट, इट रियली मीन्स अलॉट टू मी। और जो आप लोगों का प्यार है वो मेरी स्ट्रेंथ है और मैं इस स्ट्रेंथ पे कायम रहूँगा और मैं आप लोगों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा अपनी परफॉर्मेंसेस। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल।